लगातार बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए पुलिस जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी ने विद्यालय की छात्राओं को साहसी और जागरूक बनाने के साथ साथ हर परिस्थिति से निपटने को लेकर जागरूक किया। साथ ही उन्होंने छात्राओं को बताया कि आपात स्थिति में 112 नंबर, महिला हेल्पलाइन 1090 और गौर शक्ति ऐप का इस्तेमाल करें। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेन उपलक्ष्य तो वही है यहाँ पे आने का। इसके साथ साथ जो महिला सुरक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें हमने 112 की बात करी है, यहाँ पे बच्चों से 1090 की बात करी है और जो हमारा वेमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा जो गौरा शक्ति इंटरफेस है हमारे उत्तराखंड पुलिस ऐप का, उसकी जानकारी दी है और इसमें बताया गया है कि यूट्यूब के वीडियोज़ के माध्यम से भी वो लोग देख सकते हैं कैसे उसे इंस्टॉल करना, आगे कार्रवाई करनी, कैसे उसका SOS बटन, पैनिक बटन काम करता है। इसके साथ साथ कोशिश करी गई कहीं ना कहीं उनके मन में एक विश्वास जगाने की, टू फाइट बैक अगेंस्ट दिस मेनेस। न्यूटन्स थर्ड लॉ की मैंने बात करी है वहाँ पे कि कहीं ना कहीं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो शायद वो रिएक्शन देने का टाइम आ गया है। पुलिस आपके साथ है, आगे भी रहेगी। जैसे कि सब चीजें सर बता रहे हैं कि हमारी भलाई के लिए आजकल महिला अपराध देश में इतनी ऊंचाइयां ले रहे हैं कि कोई भी महिला इस देश में मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षित होगी। क्योंकि अभी कोलकाता का केस देख लीजिए, एक लेडी महिला डॉक्टर के लिए इतना सब कुछ हो गया है, तो हम तो फिर भी अभी स्टूडेंट है, हमारी एजुकेशन हो रही है, तो हम आगे इस चीज से डर रहे हैं कि हमारे देश में हम महिलाएं सुरक्षित है नहीं। तो सर हमारे ही महिलाओं के राइट्स यहाँ बता रहे हैं कि हमारे क्या क्या अधिकार है कानून को लेकर।